व्यूवर्स, वेलकम टू मोमेश्वर वेली इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज हम जो दाने की मिक्स फीड बनाते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देंगे कि हम क्या बनाते हैं, और ये जो फार्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम वो यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। इसमें चार आइटम शामिल हैं, बाजरा, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और लाल कंगनी। बाजरा 5 किलो है, मोटी कंगनी 3 किलो, बारीक कंगनी 1 किलो, लाल कंगनी 1 किलो। तो ये तकरीबन मैंने 3-4 किलो के करीब दाना लिया है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो पहला तो इसमें देखें मल्टीविटा का मल्टी वाइटामिन है, एक ये ले लिया हमने। इसके अलावा प्रो कोलीफोस का जो है ये कैल्शियम के लिए होती है, एक ये चीज़ हमने यूज़ करी। और तीसरी चीज़ है कॉड लीवर ऑयल। तीन चीज़ें ये हो गई, चौथी हम थोड़ा सा इसमें झींगा यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ मोरिंगा पाउडर है, ये शामिल करेंगे। तो ये 4-5 आइटम सारे हमने लिक्विड लिए हैं, और एक इसमें गिव्योन कैप्सूल भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो शामिल करेंगे। तो किस तरीके से मिलाना है क्या है तो मैं आपको बनाता हूँ बताता हूँ। वीडियो आप पूरी देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बस इवियॉन कैप्सूल है, ठीक है। तो इवियॉन कैप्सूल हम तकरीबन 2 यूज़ करेंगे। मैं दिखा देता हूँ इसको किस तरह से यूज़ करना है। ये 2 इवियॉन कैप्सूल ले लिए और इसको जो है हम कैंची से काट के जो है यूज़ करेंगे। इस तरह से जो है एवियन का पूरा लिक्विड इसमें निकाल देंगे। और ये 2 एवियन कैप्सूल जो है काफ़ी हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ और ये थोड़ा हैवी दाना बनेगा, इसलिए हम इसको पूरा ये यूज़ नहीं कराते बर्ड्स को। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये बहुत हैवी दाना बनता है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है मिक्स सादे दाने में मिक्स करके देते हैं। ये तकरीबन 2 ढक्कन हमने कॉड लीवर ऑयल डाल दिया। तीनों वाइटामिन यूज़ करने के बाद झींगा हमने पीस के और ये थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सब ऑयल वाली चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह की ये फीड बन गई है। तो हम ये बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आधी आधी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, जो ब्रीड नहीं कर रहे और जो ब्रीड कर रहे हैं उसको 1/4 यूज़ करेंगे उसको, ताकि जो है इसका ज़्यादा नुकसान ना हो। या तो इसमें तमाम चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, आप ये यूज़ कीजिएगा। ठीक है, हम अपने चैनल में वही चीज़ बताते हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ होता है, तो आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह ये यूज़ कीजिएगा, और अगर कोई इश्यूज हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी मान लाला।